तो हेलो गाइस, व्हाट गोइंग ऑन, दिस इज अवर एस्केटा गेमर। आज हमारा 1v1 होने जा रहा है फ्री फायर के अंदर, तो इसे देखना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इस मैच राउंड में G18 लिए, G18 तो देखते हैं। पहले राउंड में मैंने गलती से आज कैश करना फुल करना नहीं बोला। 4 राउंड का मैच होने वाला है और एक अपना 7 राउंड का कस्टम इज रेडी है, वो जल्दी जल्दी हम पोस्ट कर देंगे। तो अभी मैं आगे जाता हूँ। अभी यहाँ पे जाके देखने का मस्त सीन होएगा। अभी जल्दी देखना, प्लीज वॉच करना। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉप का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रॉप आएगा, ड्रॉप लेंगे, लूटूंगा, फिर अच्छे से आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आगे जा रहा हूँ, फिर मुझे ना गलत के फुटस्टेप आएंगे, तो मैं इधर भागूंगा पीछे की साइड। यार वहाँ पे मेरे को लगा कोई बंदा है, मेरे को उसके फुटस्टेप आए, तो मैं वहाँ पीछे जाने लग ही रहा था कि तभी वो एकदम से मेरे पे अटैक कर देगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि उस बंदे ने हेड पे अटैक करता है। वो बंदा एकदम से पता चलता है, वो बंदा मेरे को मार के जाता रहता है। अब इसका कहीं तो कुछ कर तो सकते नहीं है, तो ये सेकंड राउंड आता है और सेकंड राउंड में देखना इस बंदे को मैंने कैसा मारा था। मैं लेता हूँ एक 8 की है, एक लेता हूँ ग्रूवल। तो चलते हैं। अभी मैं जा ही रहा हूँ आगे। थोड़ी सी अगर नॉइस आती है ना तो माइक में, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं और एडिटिंग में जितनी हो सके उतनी अच्छी करने की कोशिश करता ही हूँ, सपोर्ट करना। अभी हम जा रहे हैं आगे। अभी मैं जा रहा हूँ आगे। ये मैं गया। अब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ से तो निकलता नहीं, बट अभी मैं आगे जाके इस साइड से जाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को लगता है ये बंदा वहाँ पीछे वहाँ के कहीं ना ट्रैप बना के खड़ा होगा, बट मेरी स्ट्रैटेजी फेल कर जाती है। मेरे को लगता है यहाँ से जाना तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर मेरे को ना ग्रेनेड दिखता है ये। मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आता है कि ये बंदा यार पीछे हुए। मैं यहाँ से लूटता हूँ सामान। अब यहाँ से जैसे ही मैं सामान लूटता हूँ ना, मुझे समझ नहीं आता, मेरे को लगता है ये बंदा पीछे है। मैं जैसे पीछे जाता हूँ, मेरा दुख का मेरे को पीछे से ना साउंड सी आती है इसकी, तो जैसे ही साउंड आते ये बंदा मैंने, ये तो गजब ही प्रो बन गया मैं। और ये तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त था, आपने देखा, मज़ा आ जाएगा आपको। ये राउंड आपको देख के ऐसा लगेगा कि यार कोई प्रो बंदा खेल रहा है। मैं MP5 लेता हूँ, एक वेस्ट लेता हूँ, एक वो लेके हेलमेट लेके अब चलते हैं। MP5 में मेरे पास ना नटक्रैकर की स्किन है, इसलिए करके मैं MP5 और UMP बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। MP5 और UMP मेरा, जैसे अगर मैं अभी मैं एक सोलो वर्सेस स्क्वाड का भी मैच ट्राई कर रहा हूँ, सोलो वर्सेस स्क्वाड, उसमें मेरे 2 मैच में तो भैया हुए पड़े हैं, लेकिन वो मैच ना उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई गेम की, और गेम की साउंड उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई, तो करके वो वाली वीडियोस में अपलोड नहीं कर सकता। तो अभी यहाँ से मैं ऊपर जा रहा था। अभी चिमकांडी पता नहीं कहाँ से मेरे पर अटैक करेगा, ये भी मेरे को पता चलता नहीं। मुझे लगता है ये बंदा ना पता क्या है कि बीच में घूमता रहता है। और बाकी आपको पता है ये बंदा कहाँ होएगा, कमेंट ज़रूर कर देना। आप वीडियो पे कमेंट करके नहीं जाते ना, कभी आपने वीडियो को लाइक किया ना सब्सक्राइब करके चैनल को, कोई 13-14-15 व्यूज़ आते हैं, कोई व्यूज़ बढ़ाओ यार, सोशल मीडिया के पावर दिखाओ यार। फेस रिवील भी करेंगे हम, वो जो वीडियो है तो मेरा जो फेस है वो मेरा फेस रियलिटी में है ही नहीं, वो मेरे दो भाई का फेस है। अगर फेस रिवील भी कराना है तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करो चैनल को, कोई करता ही नहीं। इसको मैं यहाँ पे देखते हैं, ये बंदा सोच रहा था कि मेरे फुट स्टेप ना आए मेरे को, इस करके ये बंदा ना ऐसे जा रहा था। मतलब मेरा ना जैसे दो फ़ोन का जो वो पोर्ट होता है ना, तो वो ख़राब हुआ पड़ा, तो करके ना आवाज़ के थोड़ा सा ना इशू होएगा, तो थोड़ा सा ना सह किया करो और वीडियो ज़रूर देखा करो गाइस। नए जनों को भी सपोर्ट किया करो सर, सब बड़े बड़े गेमर्स को तो आप लोग सपोर्ट करते ही, कभी सर थोड़े नए बंदों को भी सपोर्ट कर दो। अभी मैं वैसे तो अभी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। अभी मैं जाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये मेरा बंदा जा रहा है आगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी ना इंटेंस फाइट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटेंस फाइट कैसे होगी कि अब मैं इधर चल जाऊँगा साइड से जाके, एकदम से इधर अंदर को अटैक करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी हमेशा स्ट्रेटजी रहती है, मैं चाहे CS खेलता हूँ ना, चाहे रैंक पुश करता हूँ, अभी भी तो फिर भी मेरी यही स्ट्रेटजी रहती है कि साइड से जाके सीधा पुश कर दो, बंदे को अटैक करके गिरा दो। अब मैं जाने लगा यहाँ से सीधा, ये जाने लगा, ये गया। और अभी मैं जा रहा था तो मेरे बंदे दिमाग बात में दिमाग में आई कि ना यहाँ पीछे चलते हैं,
तो गेम खेलते टाइम अगर मैं कुछ सोचने बैठ जाऊँ तो मैं मार ही नहीं पाता। जब मैं कुछ ना सोचूँ तो मैं बंदों की ऐसी तैसी कर देता हूँ। खेलता मैं भी जो ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, फिर मैं यहाँ से जाने की सोचता हूँ। मैं इधर इस साइड चेक करता हूँ, मैं कहीं यहाँ कहीं तो चुप के नहीं बैठा। मैं गन इसमें आता है, आपने समझो कि बंदा नूब है, गन हाथ में लेके चल रहा है, लेकिन नहीं, मेरे को ना आदत है वैसे गन हाथ में लेके चलने की। अब मुझे ना इधर ना ये बंदा स्पोर्ट होता है तो करके ना मैं यहाँ पीछे से जाता हूँ जान पूछ के। मुझे एकदम से बंदा स्पोर्ट हो जाता है तो मैं पीछे से जाता हूँ। तो इसको भी पता नहीं होता, ये भी भाग रहा होता है जैसे। अब मैं स्काइलर की मदद से ये बंदा अपने आप को ग्लूबल से अच्छे से पैक कर रहा था। भाई कहाँ जा रहा है? अरे वो मेरा ना अभी पैक भी नहीं है, थोड़ा सा करके ना थोड़ा सा इशू होता है, पैक नहीं है। तो ये बंदा पहले कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ पे ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं सारी ग्लूबल ग्लूबल करता रहता हूँ पागलों की तरह। पर मेरा भी दिमाग फिर जाता है कभी कभी, फिर मैं अंदर जाता हूँ। तो जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ ना ये बंदा मेरे को पीछे खड़ा दिख जाता है, ये मेरा वेट ही कर रहा है। कहीं मेरे अगर एकदम से बैठ जाओ ना तो वो गोली सीधा हेड पे चल जाती है। तो अभी 3 रन हो जाते हैं, अब लास्ट राउंड है, देखते हैं इसमें क्या होएगा। तो इसमें मैं जा ही रहा होता हूँ तो ये बंदा आ ही रहा होता है। तो इस बंदे को थोड़े से ना जैसे एलर्जी है कि नहीं जीत पाएगा। जैसे हम ग्रेनेड नहीं करते तो मैं ग्रेनेड ले लेता हूँ, लेकिन मैं कभी करता नहीं हूँ क्योंकि ग्रेनेड करना बुरी बात है। और इग्नोर करना, 3-1 का मैच है तो चलते हैं। चलिए हाँ गाइस, अभी मैं ना सोच रहा हूँ कि नो इंटरनेट प्रैंक भी करूँ। तो कृपया करके अगली वीडियो में शायद तक नो इंटरनेट प्रैंक की डालूँगा या ना अगली से अगली डालूँगा, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो भी शूट हो रही है उस दिन अब तो मैंने डाल लिया है आज गेटिंग ओवर इट की। गेटिंग ओवर इट का भी सेकंड पार्ट भी है, अभी शूटिंग में है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक मैं सोचता हूँ ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँ गेटिंग ओवर इट का बट तो मेरे को क्या पता कि ट्यूटोरियल अपलोड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी ये मैं आगे जाता हूँ। और मुझे ना इधर जाता हूँ ना तो मुझे इसकी आवाज़ आती है, कोई बंदा सामान उठा रहा है। तो मुझे यहाँ एकदम से आवाज़ आती है कि बंदा सामान उठा रहा है। अब जैसे ही मैं जाता हूँ मुझे ये बंदा मिल जाता है, लेकिन तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। आप लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो वॉच तो करते हैं पर लाइक जरूर। इंस्टाग्राम पे मैं भी फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, गुड बाय।